टोडी फतेहपुर डकैती कांड के दो और आरोपी गिरफ्तार। झांसी। होली की रात टोडी फतेहपुर में हुई डकैती मंद की घटना के फरार चल रहे दो और आरोपी गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने इनके कब्जे से घटना के दौरान लूटा गया सोना चांदी और नकदी का माल सहित एक बाइक और मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। सोमवार को पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि 8:09 की रात थाना टोडी फतेहपुर के धुरबई गांव में श्रवण कुमार के घर में घुसे बदमाशों ने असलाह की दम पर परिजनों को धमका कर लाखों की नकदी और जेवरात लूटकांड की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना का सफल अनावरण के लिए एसएसपी राजेश एस के निर्देशन में सीओ मऊरानीपुर के नेतृत्व में गठित की गई स्वाट टीम और टोडी फतेहपुर थाना पुलिस ने घटना के 48 घंटे के अंदर दो डकैतों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर 1,00,000 से अधिक की नकदी और सोने चांदी के जेवरात बरामद कर लिए थे। इस घटना में फरार चल रहे अन्य बदमाशों को गिरफ्तार करने में लगी स्वाट टीम और थाना टोडी फतेहपुर पुलिस को बड़वार तिराहे के पास बाइक पर सवार होकर आते दो संदिग्ध दिखाई दिए, जो पुलिस को देख भागने लगे। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया। पूछताछ में पकड़े गए दोनों बदमाशों ने श्रवण कुमार के घर की गई डकैती कांड की घटना को स्वीकार किया। पूछताछ में दोनों ने अपने नाम थाना कोतवाली क्षेत्र के इमाम वादा निवासी अमन रायन तथा दूसरे ने अपना नाम तालपुरा निवासी अमन कुमार अहिरवार बताया। पुलिस ने इनके कब्जे से 200 ग्राम सोना चांदी और 25,000 की नकदी तथा एक मोबाइल फोन और बाइक बरामद कर ली। पुलिस अन्य डकैतों की तलाश कर रही है। डकैती कांड की घटना का सूत्रधार कौन है, ये पुलिस को पता चल गया है। पुलिस जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर खुलासा करेगी। झांसी से राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट। दिनांक 8/9 की रात्रि में थाना क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर के डुरवई गांव में श्रवण वाजपेयी के यहाँ डकैती पड़ी थी, जिसमें दो अपराधियों को पुलिस टीम ने पहले ही पकड़ के जेल भेज दिया है। आज उसमें और दो अपराधी पकड़े गए हैं, जिनका नाम अमन अहिरवार और अमन राइन है। इनसे भी करीब 200 ग्राम सोने के जेवरात और करीब 3 किलो चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। ये बिना नंबर की मोटरसाइकिल और अवैध असलहे भी इनसे बरामद किए गए हैं। उचित धाराओं में पूर्व में ही अभियोग इनके विरुद्ध पंजीकृत है और बाकी जो बरामदगी इसके आधार पर भी अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। सर, इससे पहले भी कुछ लोग जाते? हाँ बिल्कुल, पूर्व में भी इसी घटना से संबंधित दो साथी अपराधी जेल जा चुके हैं, उसी में ये दोनों भी अपराधी थे और इनको आज गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जा रहा है। टोटल कितने लोग शामिल हैं इस डकैती में? टोटल जो अभी तक पूछताछ से हम लोगों को अभी तक जानकारी हो पाई है, कुल करीब 8 लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें 4 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हम लोग कर चुके हैं। सर, अभी कितना माल बरामद हुआ और कितना गया था? टोटल माल जो अब तक हम लोगों ने बरामद किया है, पिछली जो दो लोगों से बरामद हुआ था, करीब 200 ग्राम सोना और 3 किलो चांदी, और ये जो अभी दो अपराधी हम लोग पकड़ के भेज रहे हैं, इनसे भी करीब 200 ग्राम सोने और 2.75 किलो चांदी के जेवरात बरामद। इनसे पूछताछ और क्या जानकारी निकल के आ रही है? इनसे और भी लीड हम लोग बाकी अपराधियों के बारे में मिली हुई है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और जो दूसरे अपराधी हैं उनको भी हम लोग यथाशीघ्र गिरफ्तार करें। नहीं, और कोई घटना अभी इनके माध्यम से नहीं पता चली है कि किसी अन्य घटना में भी शामिल है, ऐसा अभी नहीं निकल गया है। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं पता है। नगद कुल जो पिछली बार हम लोगों ने दो को भेजा था उनसे करीब 1,00,000 रुपया बरामद हुआ था। इन दोनों अपराधियों से कुल मिला के 25,000 रुपये। मास्टरमाइंड जो जिसने सूचना दी है वो भी हम लोगों को नाम पता चल गया है, वो अभी चूंकि हमारे हाथ नहीं लगा है तो उसका नाम अभी हम ऊपर नहीं। कुल 3 टीमें लगाई गई थी शुरू से ही, पर इस पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस घटना को वर्कआउट करने के लिए 3 टीमें लगी थी और वही टीम अभी भी काम कर रही है। सर, सारे बदमाश अलग अलग क्षेत्रों के हैं, तो गैंग कैसे बनाई, इसके बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल संपर्क में है। इसमें जो पिछली बार हम लोगों ने दो अपराधियों को जेल भेजा था उसमें एक नाम उस्मान भी था। उस्मान पूर्व से अपराधी है, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, जो डकैती की योजना में पहले भी जेल गया है, एटीएम कटिंग में जेल गया है, ये कहीं न कहीं से इनको पता था और दूसरे अपराधियों से संपर्क करके और पूरा गैंग इस तरह से तैयार किया था। क्या मध्य प्रदेश जाकर प्लानिंग करते थे ऐसा? क्या एमपी में जाकर प्लानिंग करते थे?